बहुत लंबा जाएगा भाई। मैं जब मैं पहला भाषण दे रहा था 1990 के चुनाव थे और मेरी माँ चुनाव लड़ रही थी हिंडोली बूंदी से। सर्दियों के दिन थे, मैं 12-13 साल का था, तो उन दिनों में जिप्सी नई नई आई थी गाड़ी, वो तो मैं चुपचाप सुबह ठंड में गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरी माँ बाहर जाके भाषण दे रही थी गाँव के अंदर पेड़ के नीचे, तो वहाँ के सरपंच ने उसको पता पड़ गया कि रमा पायलट जी का बेटा गाड़ी में बैठा है, तो उसने आवाज़ दे के मुझे बुला लिया नाम लेके। अब मीटिंग थी, चुनाव का समय था, मैंने कहा नहीं जाऊँगा तो रोकर बुरा मानेगा, तो मैं जाके वहाँ बैठ गया मंच पे। वहाँ होंगे 150-200 लोग गाँव में, तो सरपंच साहब ने मेरी माँ को बुलाने से पहले मेरा नाम लिया और बोला अब ये सचिन जी आपको दो बात बोलेंगे, और मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया। मैं पहली बार स्कूल से छुट्टी लेके गया था, मैंने कहा माँ का प्रचार है, जाके देखा दें क्या हो रहा है वहाँ। उस टाइम पोस्टर और ये स्टेंसिल से दीवार पेंट वगैरह करते थे, तो मैं वहाँ देखने गया था और वहाँ उसने मंच पे मेरे को माइक पकड़ा दिया हाथ में। अब वो माइक पकड़ा मैंने, लोग सामने मेरा मुंह देख रहे हैं, अब मेरी माँ यहाँ बैठी है, अब मैं क्या तो भाषण देता क्या नहीं बोलता। तो मैंने माइक उठा के मेरे ख्याल 1.5 या 1.25 मिनट भाषण दिया होगा, और मेरे दोनों घुटने कांप रहे, मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे समझ नहीं आ मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने ले दे के बोला। मैंने कहा भाई आप मेरी माँ को जिताओ चुनाव में, हम सब मिलके आपकी सेवा करेंगे, ऐसा कर बोल दिया मैंने। तो पहला भाषण मैं 13 साल का था, मैंने वहाँ माइक पटका, जोर से भगा गाड़ी में, मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ वापस स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन भाषण देना मैं आज। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।